आज हम लेकर आए हैं बूंदी के रायता की रेसिपी। पहले तो सभी लोगों को राधे राधे फ्रेंड। तो शुरू करते हैं बनाना हम बूंदी का रायता। इसके लिए फ्रेंड हमने लिया है छाछ यानी कि मट्ठा फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने मट्ठा लिया है, तो लगभग हमने 1.5 गिलास मट्ठा लिया है। कप से नापे तो ये कप 1.5 कप भी मट्ठा होगा जिससे हम बूंदी लेंगे। तो हमने यहाँ परफेक्ट 1.5 कप मट्ठा लिया है और अब 1 कप लेने वाले हैं बूंदी। ये देखिए फ्रेंड, इसी कप से हमने मट्ठा लिया है 1.5 कप। अब हम बूंदी को मट्ठे में डाल देंगे और चलाएंगे फ्रेंड। इस तरह से आप बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट रायता बनेगा, ना बिल्कुल गाढ़ा होगा ना बिल्कुल पतला होगा, एकदम परफेक्ट बूंदी का रायता बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको हम मिक्स कर देंगे चम्मच की सहायता से या और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे और यहाँ पे कर लेते हैं बूंदी के मसाले की तैयारी। तो फ्रेंड यहाँ पे पैन रखा है, उसमें मैं डाल दिया है, इसको हमने जला लिया गैस को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा को भूनेंगे इस तरह से फ्रेंड। यहाँ पे हमारा जो जीरा था भून चुका था, यहाँ पे हम गैस कर देंगे बंद और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसको भी थोड़ा चलाएंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसको भी चलाएंगे। याद रहे गैस को बंद करके ही चलाएं क्योंकि ये जल्दी से भुन जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो रायता मसाला था वो भुन चुका है, इसको हम पीस लेते हैं। और ये देखिए भुन चुका है, इसको ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम पीस लेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा रायता अच्छे से परफेक्ट, ये देखिए आप दिखाते हैं अभी हमारे को, बिल्कुल फूल चुका है अच्छे से मट्ठे में। ये देखिए आप, ये फ्रेंड हमने मट्ठे से बनाया, आप इसको दही से भी बना सकते हैं इसी तरह से। तो इसको देखिए, और इसमें हम डाल देंगे नमक अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से, नमक कम ही डाले रायते में। और यहाँ पर डाल दिया हमने रायता मसाला बनाया था उसको पीस कर, इसमें डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर डाल दिया कटी हुई हरी मिर्च, ये बिल्कुल तीखी नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल दिया हरी धनिया पत्ती। अगर आपका मन कभी रायता बनाने का वो सब्ज़ी बनाने का नहीं है तो आप इस रायते से फटाफट बना के खा सकते हैं, 5 मिनट में बन जाता है। अगर आपको ये हमारी रायता की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में बताना ये आपको हमारी बूंदी की रायता की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड। और यहाँ पे कर लेते हैं गार्निश। देखिए मेरा रायता कितना परफेक्ट और कितना सुंदर बन के रेडी हो गया है। इसको आप फटाफट बनाइएगा, खाइएगा, दोस्तों को खिलाइएगा। ऐसी न्यू रेसिपी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे फ्रेंड। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, राधे कृष्ण, हरे महादेव।